नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक नया वैकेंसी अपडेट। ये जो वैकेंसी निकल कर आती है आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2018, ये वैकेंसी सभी राज्यों के लिए है, जिसमें से राजस्थान के लिए भी ये वैकेंसी निकाली गई है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो वैकेंसी निकल के आती है ये ओनली फॉर एक्स सर्विस मैन के लिए है। यहाँ आप देख सकते हैं, इन्वाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल एक्स सर्विस मैन कैंडिडेट्स। यहाँ आगे भी आप देख सकते हैं, यहाँ ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल क्लियर है। यहाँ आप देख लीजिए, एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन्स एक्स सर्विस मैन ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ सिक्योरिटी गार्ड इन द बैंक। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी राज्यों के पद यहाँ पर दिए गए हैं, और जहाँ पर भी आरबीआई की ब्रांच है, जैसे कि हमारे राजस्थान के जयपुर में भी आरबीआई की ब्रांच है, तो यहाँ आप देख सकते हैं जयपुर में भी इसकी वैकेंसी निकाली गई है। तो पूरी जानकारी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा एक ओवरव्यू आपको देते हैं कि कौन से पद के लिए वैकेंसी है। तो ये वैकेंसी जो निकल कर आती है सिक्योरिटी गार्ड के लिए है, और 10वीं कक्षा उत्तीर्ण जो भी विद्यार्थी है वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसमें जो आवेदन शुल्क आपका रहेगा वो रहेगा 50 रुपये का। अब आगे पूरी जानकारी पर हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ आप देख लीजिए, 270 पदों के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है सिक्योरिटी गार्ड की, और इसके लिए आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा। आगे आप देख लीजिए, और पूरा विज्ञापन और विस्तार से देखना चाहते हैं तो ये आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और आपको जो भी विद्यार्थी इसके लिए आवेदन करना चाहता है तो आवेदन करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देख लीजिए आवेदन करने की जो तिथि है, वेबसाइट लिंक ओपन, तो 9 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, और इसी के बीच आपको इसमें पेमेंट करना होगा। और यहाँ आप देख लीजिए, ऑनलाइन टेस्ट की डेट भी दी गई है, एक्सपेक्टेड डेट। तो यहाँ पर दिसंबर, जनवरी, दिसंबर में भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है, और जनवरी 2019 में भी एग्ज़ाम हो सकता है। और आगे यहाँ आप देख लीजिए, सिक्योरिटी गार्ड 2018। अब पदों की संख्या आप देख लीजिए, यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टोटल कितने पद हैं। तो 270 पद हैं, और इसमें से आप जिस भी ब्रांच के लिए, जिस भी ऑफिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, करना चाहते हैं। यहाँ सभी की लिस्ट दी गई है, पदों की संख्या दी गई है, और अगर आप राजस्थान में अप्लाई करना चाहते हैं जयपुर के लिए, तो यहाँ पर पदों की संख्या आप देख लीजिए 16 पद हैं, और सबसे ज़्यादा जो पद हैं वो है मुंबई में है, 80 पद हैं, और टोटल वैकेंसी आप यहाँ देख सकते हैं 270 पदों के लिए। आगे यहाँ आप देख सकते हैं, और कोई महत्वपूर्ण जानकारी है तो हम उस पर डिस्कस करते हैं। एज क्राइटेरिया आप देख लीजिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो यहाँ पर नॉर्मल एज लिमिट वो है 25 ईयर्स, यहाँ आप देख सकते हैं, और एज की जो कैलकुलेशन दी गई है वो 1 नवंबर 2018 से दी गई है। आगे यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन से संबंधित जानकारी हम ऑलरेडी आपको दे चुके हैं। अगर आप 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हैं तो आप सभी विद्यार्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, किसी भी स्टेट के विद्यार्थी हो। और इसके आगे आप स्कीम ऑफ सिलेक्शन आप देख सकते हैं, आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा जिसमें आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 नंबर के होंगे, और आपको जो ड्यूरेशन रहेगा वो रहेगा 80 मिनट का, जिसमें रीजनिंग, इंग्लिश और न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी, तो ये पूरी जानकारी इसमें आप देख सकते हैं, और बाकी सब वही जानकारी है। और बाकी आप सेंटर वगैरह आप चूज़ कर सकते हैं, लिस्ट यहाँ पर दी गई है जहाँ भी आप सेंटर चाहते हैं। और आवेदन करने की डेट आप ध्यान रखें, जो भी विद्यार्थी इसमें आवेदन करना चाहते हैं वो 30 नवंबर से पहले इसमें आवेदन करें, बाकी सब जानकारी आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। तो 10वीं पास विद्यार्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, और 270 पदों के लिए कुल वैकेंसी है, जिसमें भी आप आवेदन करना चाहते हैं ऑल इंडिया में, जहां भी आरबीआई की ऑफिस है उनकी लिस्ट दी गई है। तो
तो जहाँ भी आप आवेदन करना चाहते हैं उस ऑफिस के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, और 50 रुपये का शुल्क आपको इसमें आवेदन के रूप में देना होगा। और किसी भी प्रकार का आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट करके हमसे आप डिस्कस कर सकते हैं, और वीडियो को शेयर करना ना भूले ताकि बाकी विद्यार्थियों को भी वैकेंसीज के बारे में जानकारी मिल सके। धन्यवाद।